नमस्ते बाल दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने ईदगाह कहानी सुनी आपको मजा आया होगा इस कहानी में जो संदेश है वो भी कितना बड़ा संदेश है हामिद इतना छोटा लड़का लेकिन उसने अपनी अम्मी के लिए चिमटा खरीदा इस कहानी के माध्यम से हमने ये संदेश तो पाया साथ साथ में इस कहानी में कुछ नए शब्द भी हमने जाने पहचाने कुछ नए शब्दों से हम परिचित भी हुए ये किन किन प्रकार के शब्द हैं वो भी हम देखते हैं शब्द समूहों से बने हुए कुछ शब्द ईद की नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है सानी अगला शब्द जिसे गिना न जा सके अनगिनत धन का देवता कुबेर एक विशेष मुद्रा में जुकना यानी सिजदा दोस्तों हमने जो शब्द स्क्रीन पर देखे ये शब्द वास्तव में शब्द समूहों से बने थे जैसे ईद की नमाज पढ़ने की जगह मतलब कि जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है वह स्थान उस स्थान के लिए एक ही शब्द का जो प्रयोग लेखक ने किया जो कि कहानी का शीर्षक भी है तो ईदगाह मतलब कि एक से ज्यादा शब्दों मिलकर जो एक शब्द बनता है जिसे कहते हैं शब्द समूह में से बना एक शब्द जैसे ईदगाह दूसरे शब्द भी हमने देखे हैं यह शब्द फिर से देख लेते हैं तो आप अपनी कापी में यह शब्द लिख ले जिसे गिना न जा सके अनगिनत कुछ बात ऐसी होती है जिसे हम गिन नहीं सकते तो उसके बारे में हम ऐसे बोलते हैं कि अनगिनत अनगिनत लोग थे अनगिनत माने जिसे गिना नहीं जा सकता जैसे लेखक ने इस कहानी में एक शब्द का ऐसा भी प्रयोग किया है कि कुबेर कुबेर ऐसा शब्द है तो कुबेर माने धन का देवता जो धन देता है ऐसे ही एक शब्द है सिजदा यह भी एक नया शब्द है हमारे लिए कि एक विशेष मुद्रा में जब झुकते हैं नमस्कार करते हैं उसे सिजदा बोला जाता है आगे देखिए बच्चों यहां हमें कुछ सोचना है थोड़ा चिंतन करना है तो स्क्रीन पर देखते हैं लेखक ने इस कहानी का शीर्षक ईदगाह क्यों रखा होगा ये जो कहानी हमने पढ़ी और सुनी उससे परिचित हुए लेखक प्रेमचंद जी ने इसका शीर्षक ईदगाह रखा है यदि आपको इस बारे में सोचना है कि लेखक ने ईदगाह ही शीर्षक क्यों रखा होगा सोचना है और बाद में अपने विचार अपनी कापी में लिखने हैं और, और भी आगे सोचना है कि आपको अगर इस कहानी का शीर्षक देना है तो आप इसे क्या शीर्षक देते जैसे लेखक ने तो ईदगाह शीर्षक दिया ही है लेखक को वह शीर्षक अनुकूल लगा होगा पसंद आया होगा तो उन्होंने ईदगाह शीर्षक रखा लेकिन अगर आपको इस कहानी के लिए दूसरा शीर्षक देना है ईदगाह के सिवा तो आप क्या दोगे जैसे मुझे कोई कहे कि आप इस कहानी का शीर्षक क्या दोगे इस कहानी को मुझे दूसरा शीर्षक देना है तो मैं तो चिमटा ऐसा शीर्षक दूँ। आपको सोचना है कि आप कौन सा शीर्षक देंगे क्योंकि बात चिमटे की है और हामिद के चिमटे की बात है लेकिन आपको अब दूसरा शीर्षक खोजना है उसके बारे में सोचना है अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्न देखेंगे यह एक प्रश्न इस तरह है आप भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों तो बच्चों हम सब कहीं न कहीं लगने वाले मेलों में जाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं मित्रों के साथ जाते हैं अपने स्वजनों के साथ जाते हैं सारा दिन घूमते रहते हैं और आनंद करते हैं लेकिन हर मेले की अपनी एक विशेषता होती है एक विलक्षणता होती है आप अगर कोई मेले में गए हैं तो आपको उस मेले के बारे में खास तो आपको यह लिखना है कि आपने क्या खरीदा और खरीदा तो क्यों खरीदा उसका हेतु क्या है इसके बारे में आपको लिखना है अपनी कापी में यह एक दूसरी बात भी है एक दूसरा सवाल भी है आपके लिए यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों बच्चों आपने देखा कि इस कहानी में हामिद ने अपनी अम्मी के लिए चिमटा खरीदा था लेकिन अगर आपको आपकी दादी के लिए कुछ खरीदना है तो आप क्या खरीदोगे उसके बारे में आप ही लिख सकते हैं क्योंकि आप अपनी दादी की पसंद की चीज के बारे में भी सोचेंगे कुछ ना कुछ आप सोचेंगे ना आपको सोचना है और लिखना है जरूर लिखें आगे बढ़ते हैं मुहावरे बच्चों मुहावरों से तो आप परिचित हैं ही अपनी बात को असरकारक ढंग से कहने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं इस कहानी में भी कई मुहावरों का प्रयोग लेखक के द्वारा किया गया है हम अपने व्यवहार में भी अपनी बोलचाल के दरमियान भी मुहावरों का प्रयोग करते रहते हैं मुहावरों से अपनी बात अधिक असरकारक और रोचक बनती है तो देखते हैं कुछ मुहावरे दिल कचोटना यानी कुछ न पाने पर दुख होना बेड़ा पार लगाना किनारे ले जाना या संकट से बचाना गले मिलना प्रेम से भेटना दिल बैठ जाना हताश या निराश हो जाना बाल बांका न होना जरा भी नुकसान न होना सूरलोक सिधारना यानी मर जाना छाती पीट लेना दुख प्रकट करना तो बच्चों ये मुहावरे जो हमने देखे उसे हमें वाक्य में प्रयोग करना भी जरूरी है वो भी सीखने की जरूरत है आपको ऐसा करना है कि किताब में जो मुहावरे हमने अभी जो मुहावरे देखे उन मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है और यह वाक्य प्रयोग करके आपको अपने स्वजनों को मम्मी पप्पा या बड़े भाई बहन को दिखाना भी है आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार कुछ प्रश्नों की चर्चा भी करते हैं तो स्क्रीन पर देखते हैं कुछ प्रश्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा तो बच्चों कहानी में हमने देखा था कि हामिद ने कुछ उधेड़ बुन के बाद चिमटा खरीदा था उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे लेकिन उसने ना तो खिलौना लिया ना तो मिठाई ली लेकिन उसने चिमटा ही लिया क्यों लिया क्योंकि वह हर दिन देखता था कि अपनी जो अम्मी है उसके हाथ रोटी सेकते वक्त जल जाते थे उसे वह देखा नहीं जाता था इसलिए उसने चिमटा खरीदा तो अपनी अम्मी के प्रति अपना प्रेम इस तरह उसने प्रकट किया और उसने चिमटा खरीदा दूसरा प्रश्न भी देखते हैं चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है तो इस प्रश्न आपको सोचकर कहानी को फिर से याद कर लिखना है तीसरा प्रश्न बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया तो ये तीसरा प्रश्न भी आप देख सकते हैं कि कहानी में जब हामिद चिमटा खरीद कर घर आ जाता है मेले में से बाद में बूढ़ी अम्मा से जो बात होती है वह बात क्या होती है वह याद कर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है चौथा तो प्रश्न अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए तो आपको इस प्रश्न में थोड़ी मौलिकता अपने तरीके से सोचकर रूमाल के कुछ प्रयोग आपको बताने हैं और लिखने हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों किताब में अभ्यास में जो तीसरा प्रश्न है उसमें एक परिच्छेद दिया गया है आपको यह परिच्छेद अच्छी तरह से पढ़ लेना है कम समझ में आए तो पुनः पढ़ना होगा और उसके बाद नीचे जो छह प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखना है अपनी कापी में यह परिच्छेद का आशय ऐसा है कि आप अच्छी तरह से उसको समझ सके हैं या नहीं तो आपको खूब सोच विचार कर इस परिच्छेद के प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो दोस्तों इस इकाई ईदगाह के जरिए हमने जो कुछ सीखा उसको जरा याद कर लेते हैं पहले तो हमने एक बढ़िया कहानी सुनी उस कहानी में हमें मजा आया उसके बाद हमने कुछ मुहावरे जाने जो हमारे लिए नए थे साथ में कुछ नए शब्दों का प्रयोग भी हमने देखा कुछ नए शब्द समूह से भी हम परिचित हुए हम इस कहानी का शीर्षक सोचे तो क्या सोचेंगे उसके बारे में भी हमने चिंतन किया साथ में हमने परिच्छेद पढ़कर किस तरह से उसके प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं उसके बारे में भी सोचने का अवसर मिला मैं आपसे एक विनती और भी करता हूं कि आपको कुछ प्रयोग ऐसे भी करने हैं जैसे कि आपके पास को आपके सामने कोई कहानी हो जैसे ईदगाह कहानी है उस तरह कोई कहानी हो लेकिन वो आधी अधूरी हो और उसको आप पूरा करें जैसे कि एक राजा था वह जंगल में गया जंगल में उसने सिंह देखा यहां से हम यदि कहानी को छोड़ देते हैं तो आप उसे किस तरह से आगे बढ़ाएंगे अपने तरीके से सोचकर आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं यह भी एक कौशल है तो आप इस तरह से भी बड़ों की मदद लेकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं हिंदी भाषा की इस तरह से आप अपनी समझ और भी बढ़ाते रहें और अच्छा पढ़ते रहें आभार